तारीफ करे बाजे में, पहली सफों को पहले मुकम्मल करना है। दुर्गे बात कर लीजिए, اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. لا نبي بعده ولا نبوة بعده. ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. هر گھڑی منقلب زمانہ ہے، ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے، یوں ہی دنیا کا کارخانہ ہے. موت کس کو چھوڑ جاتی ہے، موت کس کو چھوڑ جاتی ہے، آج وہ کل کو میری باری آتی ہے. معزز بزرگوں بھائیوں، یہ جمعہ کا وقت ہے اور بڑا ہی مختصر سا مبارک وقت ہے. جتنا بھی ہم کہہ سکیں گے، اللہ تعالی ہمارے کہنے میں سننے میں برکت عطا فرمائے. جمعہ کے بیان میں
वक्त ज्यादा नहीं लिया जा सकता और आप ऊंची मस्जिद वाले भी बड़े चालाक है, आप लोगों ने घड़ियाल सामने भी लगा दी है। एक घड़ी तो नमाजियों के लिए होती है लेकिन दूसरी घड़ी मौलाना के लिए भी लगानी पड़ती है। तो माशाल्लाह आप बड़े चालाक है, घड़ी की सुई जब उसकी जगह पर पहुंच जाएगी तो मैं वआखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहूंगा। बयानात तो आप माशाल्लाह सुनते ही रहते हैं और सूरत वाले तो मेरे ख्याल से ऐसे बयान सुन सुनकर ऐसे जहन हो चुका है कि आयत सुनते ही समझ लेते हैं कि ये आज क्या बोलने वाले हैं। तो खैर अर्ज करने का मंशा ये है कि वैसे तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको और दुनिया के इंसानों को एक इत्मीनान बख्श उम्र अता फरमाई है। इतनी उम्र अल्लाह ने हर इंसान को दी कि जिस उम्र में इंसान अपनी आखिरत को बनाना चाहे, अपनी कब्र को बनाना चाहे, जन्नत का मकान बनाना चाहे, अपनी आखिरत को बना सकता है। कुरान करीम में फरमाया अवलम नुअम्मिरकुम फीही मन तज़क्कर वजाअकुम नज़ीर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी, इतनी जिंदगी तुमको नहीं मिली कि उसमें अगर तुम नसीहत हासिल करना चाहते, अगर तुम उस उम्र के अंदर संभलना चाहते, अपनी आखिरत को बनाना चाहते तो बना सकते थे। और फिर इतना ही नहीं कि सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया, वजह अकुम नजीर, तुम्हारे पास डराने वाले भी आए, पैगंबर भी आए, पैगंबर के नाइब आए, आसमानों से अल्लाह की किताब आई, कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां तुम्हारे सामने आई, जमाने के उतार और चढ़ाव तुमने देखे। एक साहब कह रहे थे कि हम तो हमारी नस्लों को और हमारी औलाद पोतों और नवासों को ये कहेंगे हमने हमारी उम्र में सब देख लिया, लॉकडाउन भी बाकी था वो भी देख लिया हमने अपनी उम्र में। तुम्हारे पास डराने वाले आए, अल्लाह की कुदरत की निशानियां आई, वजाअकुम नज़ीर। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये चेहरों पर और सरों पर सफेदी का आना और सफेद बाल का आ जाना ये भी अल्लाह की एक वार्निंग है, ये भी नजीर है, डराने वाली चीज है। पिछले जमाने में जब ट्रेन अगले स्टेशन से छूट जाती तो घंटियां बजती थी, बेल बजाए जाते थे और ये कोडवर्ड होता था कि भाई 5 मरतबा बेल बजे तो समझ लेना कि अगले स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है। फिर अगर 3 बजे तो उसका यह मतलब होता था, 2 बजे उसका यह मतलब होता था, 1 घंटे बजे समझ लो कि रेलवे स्टेशन पर आने की तैयारी है। ये अल्लाह की घंटियां हैं, जमाने का उतार चढ़ाव, हालात का भेजना, बीमारियों का आना। क्या सूरत वालों आपने नहीं देखा, अल्लाह सुबहानहू व तआला इतनी बड़ी ताकत और कुदरत वाले हैं कि जिसने एक नजर आने वाली मखलूक कोरोना और उसके मामूली जरासीम
जर्रा जर्रा जिसको सगी आंखों से देख भी नहीं सकते, एक मामूली वायरस के जरिए से उस पाक परवरदिगार ने वक्त की सुपर पावर ताकत यानी इंसान जिसने हर मुल्क में अन रब्बुकुमुल आला का दावा किया है, खुदाई कुदरत के सामने चैलेंज किया, ऐसी इंसानियत को अल्लाह ने धूल चाटता हुआ कर दिया। लाओ कोई इंजेक्शन, लाओ कोई ऐसी दवा, खर्च कर दो जितना तुम्हारे पास माल है, जितनी तुम्हारे पास जायदाद है, 10-10 लाख देने के बावजूद भी इंसान जिंदगी से हाथ धो बैठा। वजाअकुम नजीर, ये अल्लाह फरमाते हैं, ये हमारी वार्निंग है, डराने की चीजें। वैसे तो हमने एक लंबी उम्र दी है हर इंसान को, लेकिन फरमाया कि असल इस उम्र में काबिले जिक्र कोई उम्र है और दीन है तो कुरान ने कहा सिर्फ तीन दिन है, सिर्फ तीन दिन, उसके अलावा सब धोखा है। इन तीन दिनों के अलावा सब धोखा है और सब एक खेल है। फरमाया असल तो तीन दिन है। कौन से तीन दिन? नंबर एक, पहला वो दिन जिस दिन तू दुनिया में पैदा किया गया, तू रो रहा था, घर वाले खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां तकसीम की जा रही थी, किसी की पैदाइश पर जलेबी बांटी जा रही थी, तो किसी की पैदाइश पर ज्यादा खुशियां बना रहे थे और लड्डू बांटे जा रहे थे। पता नहीं आपके यहां पर क्या रिवाज है, बास फैमिलियों में तो ऐसा है लड़की पैदा हो तो कम खुशी और लड़का आवे तो ज्यादा खुशी, मिठाई तकसीम की जा रही है, मुबारकबादी दी जा रही है। फरमाया ये एक दिन। हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात है। कुरान कहता है कि चार दिन है ही ना तेरे पास, पहला दिन है वो जिस दिन तू पैदा हुआ, और नंबर दो दूसरा दिन वो है जिस दिन दुनिया से तू चला जाएगा, बदन ठंडा पड़ जाएगा, रूह निकाल ली जाएगी, आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकती, जुबान है लेकिन बोल नहीं सकती, कान है लेकिन सुन नहीं सकते, बच्चे अब्बू अब्बू कह रहे हैं और अब्बू है कि अल्लाह के बुलावे पर लब्बे कहते हुए चल गए। कितने ऐसे थे जो हमारे साथ उठते बैठते थे, लेकिन इस बीमारी ने, इस वबा ने और इसके जहरीले जरासीम ने हमारे साथ चलने फिरने वालों को, उठने बैठने वालों को अपना लुक्मा बना लिया, लुक्मे अजल बन गए। हमारे बड़ौदा में खिदमत का एक ग्रुप है उलमाए किराम का, जो कोरोना के मरीजों के लिए आपके अभी माशाल्लाह मशहूर एकता ट्रस्ट वाले और बहुत से नौजवान जिनकी कारगुजारियां हमने सुनी देखी हमारे यहां पर भी, तो चाहे जिसका भी जनाजा हो, इंतकाल हो, मोमिन है गैर मोमिन है, लोगों ने बड़ा सराहा, अखबारों के अंदर आए, जमीयतुल उलमा की मातहती में काम करने वाले नौजवान उलमाए किराम, फरमाया कि एक कब्र पर हम गए तो देखा एक मासूम बच्चा 5 साल का अपने बाप की कब्र पर बैठा है, और बीच में जब इस बीमारी के असर ज्यादा था तो जनाजे भी बहुत, एक एक दिन में 8-8 जनाजे,
दो घंटे बाद आए तो देखा फिर वहां पर कब्र पर वही बच्चा बैठा है। थोड़ी देर बाद तीसरी लाश लेकर आए तो फिर वही बैठा है। कहा कि बेटा क्या बात है, बाप कब्र में है और मासूम बच्चा कब्र के बाहर बैठा है, बेटा क्या बात है। तो कहने लगा 5 साल का बच्चा मैं अब्बू का इंतजार कर रहा हूं कि मेरे अब्बू कब्र से कब उठेंगे, कब मेरी मुलाकात करेंगे, कब मेरे लिए खिलौनों का इंतजाम करेंगे, कब मेरे लिए खुशबू लाएंगे और मुझे उंगली पकड़कर बाजार में घुमाएंगे, मैं इंतजार करता हूं। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये है पैदाइश और मौत के बीच का वो आलम जिसको कुरान ने धोखा कहा है। ये धोखा है। शायर कहता है, गूंजते थे जिनके डंकों से जमीनों आसमां, गूंजते थे जिनके डंकों से जमीनों आसमां, मरकदों में चुप पड़े कुछ भी नहीं, और जिनके महलों में हजारों रंग के फानोस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानोस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। लाइट कहां से लाए, कहा फलाने मुल्क की है। घड़ी कहां की है, कि चाइना से मंगवाई है। पर्दे कहां के, कि ऑनलाइन मंगवाए हैं। दुनिया का फानी घर सजाने में मेहनत की और पूरी जवानी माल वक्त ताकत सब लगा दिया, और जहां हमेशा हमेशा रहना था, जिस कब्र का बिस्तर मिट्टी का बिस्तर था और जहां का जहां की छत जो है लकड़े के पाटिए और तख्त थे, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं। कुरान कहता है ये 3 दिन है तुम्हारे काबिल जिक्र। नंबर 1, जिस दिन तुम दुनिया में आए। नंबर 2, जिस दिन तुम दुनिया से जाओगे रूह निकाल ली जाएगी। और नंबर 3 फरमाया, तीसरा दिन कि जिस दिन दोबारा तुम्हारे बदन को खड़ा किया जाएगा, तुम्हारे जिस्म में दोबारा रूह डाली जाएगी, ये तीसरा दिन है। कुरान इसी को कहता है, बस यही काबिल जिक्र है, यही 3 दिन है, इसके दरमियान सब धोखा है और सब जो है धोखे का सामान। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से तुमको हमने पैदा किया था और फिर इसी मिट्टी में तुमको दोबारा पहुंचाया जाएगा। और फरमाया नंबर 3, फिर इसी मिट्टी से तुमको दोबारा खड़ा किया जाएगा। 3 दिन। कुरान करीम ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है, मिसाल बयान की है। हजरत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है। हजरत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम जिनकी पैदाइश को, पैदा होने को 2000 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका। ईसवी सन हम 2020 कहते हैं, यह हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से गिनी जा रही है। 2000 साल से भी ज्यादा का अरसा।
ईसा अलैह सलाम पैदा हुए, कुरान करीम ने हजरत ईसा अलैह सलाम की मिसाल बयान की और किसी पैगंबर की नहीं और किसी नबी की नहीं। हजरत ईसा अलैह सलाम, हम सब जानते हैं, बगैर बाप के अल्लाह ने ईसा अलैह सलाम को अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया। बीबी मरियम आपकी वालिदा हजरत ईसा अलैह सलाम को लेकर जब कौम के सामने आई तो कौम ने कहा कि ए मरियम या उख्त हारून मां का न अबू की बराबर सऊदी व मां का न उम्मू की बगिया, कि ए उख्त हारून, ए बीबी मरियम, तुम तो बड़े ऊंचे खानदान की हो, तुम्हारी मां भी बड़ी शरीफ और नेक थी, फिर तुमने ये काम कैसे किया बगैर शादी के? तुम्हारा बच्चा कैसे पैदा हो गया? हजरत बीबी मरियम से अल्लाह ने कहा था जब सवाल करे कौम तो तुम खामोश हो जाना और बच्चे की तरफ इशारा कर देना, बच्चा खुद अपने बाकी को बयान करेगा। हजरत ईसा अलैह सलाम ने मां की गोद में अपनी पाकी और बरात को बयान किया। मशहूर है रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार बच्चे बचपने में बोले हैं, चार बच्चे अपनी मां की गोद में, जबकि आम तौर पर बच्चा बोलता नहीं, उसमें एक हजरत ईसा अलैहि सलाम है। एक लंबी तकरीर और कलाम किया ईसा अलैहि सलाम ने और आखिर में ये कह दिया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। ए लोगों, में अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे दीन शरीयत किताब देकर भेजा है, मैं अपने मां बाप का फरमा बरदार हूं और सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन में पैदा हुआ। समझ ना आया? कुरान ने बयान किया, फरमाते ईसा अलैहि सलाम उस दिन मुझ पर सलाम हो जिस दिन में दुनिया में आया पैदा हुआ। नंबर दो, उस दिन भी मुझ पर सलाम हो जिस दिन अल्लाह मुझे दुनिया से फिर उठा लेगा। यौम वुलिदतु व यौम अमूतु, जिस दिन में मुझे मौत आएगी। और नंबर तीन, और सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मुझे दोबारा अल्लाह कयामत के मैदान में फिर खड़ा करेगा। व यौम उबअसु हय्या, तीनों दिन पर मेरे लिए सलाम हो। उलमाए किराम ने अजीब बात लिखी है, ये मिसाल हजरत ईसा अलैह सलाम की क्यों बयान की गई? एक जवाब ये दिया गया कि हजरत ईसा अलैह सलातुल्लाह पैगंबरों में वो पैगंबर है जिसको अल्लाह ने एक लंबी उम्र अता फरमाई। हजरत ईसा अलैह सलाम, समझिए, पैदा तो हो गई ईसा अलैह सलाम लेकिन मौत नहीं आई है हजरत ईसा अलैह सलाम को, 2000 साल पहले पैदा हुए। और जब यहूदियों ने ईसा अलैह सलाम को कत्ल करना चाहा, मारना चाहा, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से हजरत ईसा अलैह सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। शबे मेराज में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहि सलाम की मुलाकात फरमाई, मुलाकात हुई दूसरे आसमान पर, कर जिंदा है। कुरान ने कहा न उन्हें कत्ल किया, न उनको सूली पर चढ़ाया, बल्कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को तो हमने जिंदा आसमानों पर उठा लिया। और आका ने फरमाया कयामत से पहले फिर ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला दोबारा जमीन पर मबऊस फरमाएंगे, उतारेंगे, और ईसा अलैहि सलाम बकिया उम्र पूरी फरमाकर, बकिया जिंदगी पूरी फरमाकर ईसा अलैहि सलाम को मौत आएगी,
और मदीनतुल मुनव्वरा में रहमत वाले नबी ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा व मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में कदमों में हजरत ईसा अलैहि सलाम को दफन किया जाएगा। कहां दफन किया जाएगा? कब्र मुबारक के पैरों की तरफ। अल्लाह ताला हमें बार बार मक्का और मदीना की हाजिरी की सआदत मंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला बंद दरवाजों को खोल दे, बंद रास्तों को खोल दे। वो पाक परवरदिगार समंदर के अंदर हजरत मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम के लिए रास्ते बनाने पर कादिर है। अल्लाह ताला हमारे लिए भी बंद दरवाजों को खोल दे। शायर कहता है, छोड़ना तेरा तैयबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने मौजूद है। एक शेर मैंने सुना ही दिया आपको। सूरत वाले कहेंगे, मौलाना आप तो वाली साहब की निस्बत पर आते हो, तो वाली साहब की निस्बत पर तो एक शेर सुनाना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने सुना दिया आपको। दुआ फरमाए वाली साहब के लिए भी। अल्लाह ताला ने बहुत आफियत का मामला फरमाया है। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गाने दीन, दीन के काम करने वाले मुखलिसीन, उम्मत के लिए रातों को रोने वाले, अल्लाह ताला सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुझे बस एक ही बात समझानी है, बस वो ये है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की एक लंबी उम्र की मिसाल कुरान ने दी। इतनी लंबी उम्र के पैदा हो गए 2000 साल पहले, लेकिन अभी मौत नहीं आई है। उन दो लंबे जमाने को कुरान कहता है कि बस ये सिर्फ दो दिन है। सलामुन अलैय यौम वुलिदतु, जिस दिन पैदा हुआ, व यौम अमूतु, जिस दिन मुझे मौत आएगी और जिस दिन मैं दोबारा खड़ा किया जाऊंगा। कुरान बतलाना चाहता है इतनी लंबी जिंदगी को भी सिर्फ दो दिन कह दिया, सिर्फ दो दिन। अब इसके दरमियान में जो है सब उतार और चढ़ाव है, आजमाइश है। किसी को अल्लाह माल देकर आजमाता है, किसी को अल्लाह माल किसी से लेकर आजमाता है, किसी को अल्लाह सेहत देकर आजमाता है, किसी को अल्लाह बीमारी देकर आजमाता है। वक्त मेरा खत्म होने आया, आखिरी एक बात कह दूं कि आजकल हमारे नौजवान और हमारा हाल यह है कि जुबानों पर अल्लाह की नेमत का शुक्राना खत्म हो गया। आज अगर किसी से पूछे, कारोबार करने वाले से, दुकान चलाने वाले से, कि भाई क्या तुम्हारा गुजर बसर कैसा है, तो क्या कहते हैं कि भाई बड़ी मंदी है, लॉकडाउन के बाद से तो बड़ा खराब हाल है। इसी साहब को जब 7-8-9 महीने पहले पूछा था तो भी ये कहता था, आज कहता है पहले बड़ा अच्छा माहौल था, और जब 9 महीने पहले पूछा था तो भी यही कहता था। नाशुक्री वाली बात नहीं, अल्लाह ताला को नाशुक्री पसंद नहीं है। शुक्र गुजारी करे अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।